जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा दरज। तो आज का व्लॉग पीछे का कचरा दिख ही रहा है आपको। ओ बाबा, तो हम लोग आ गए हैं गुड़गावा में। गुड़गावा में सुबह सुबह आए थे, आके पूजा उजा करके फिर खाना वाना बना के मैं सो गई थी। फिर सोचा कि अब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो बाहर का मौसम पता नहीं क्या है, सर्दी भी है गर्मी भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के दिन कैसे चल रहे हैं वो भी बताना। बहुत लंबे टाइम के बाद वापस सोचा है कि कुछ रेगुलर ब्लॉग्स करेंगे। तो हेमंत आ चुका है स्कूल से और अब उसके ट्यूशन का टाइम है, आज है ऑनलाइन क्लास। और मेरी भी तबीयत ठीक है, जेठी जी की भी तबीयत ठीक है अब, और हेमंत की भी तबीयत ठीक है। हम सब बहुत ही अच्छे खासे हैं। आप सब कैसे हो वो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर जरूर बताना। और हाँ, मैं आप लोगों से कुछ बोलने आई हूँ कि आप लोगों को अब कैसे कंटेंट देखने हैं मुझे कमेंट में आप लोग जरूर जरूर बताना, ताकि मैं वैसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और हाँ, प्लीज ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, ब्लॉग को शेयर करना। तो चलिए अब थोड़े से करते करते हैं काम, फटाफट से बच्चों के लिए बनाते हैं खाना। चलो आप लोगों को एक राजस्थानी सब्जी बताती हूँ, जो कि राजस्थान से होंगे ना उनको जरूर जरूर पता होगा ये क्या है। तो ये क्या है आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि इसको आप लोग क्या बोलते हो। ठीक है, जो सही बोलेगा उसको मैं रिप्लाई दूंगी कि हाँ हम भी यही बोलते हैं। और अब आने वाली है आखा तीज। तो आखा तीज के लिए मेरी बीच वाली जिठानी ने ये खिचड़ा कूट के दिया है। तो जिस दिन आखा तीज होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग आखा तीज कैसे सेलिब्रेट करती हैं सारी चीजें। और ये पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है और ठीक करना है। हेमंत से भी मिला दी हूँ, हेमंत का कजन भाई आया है तो हेमंत बहुत ही खुश है। वो हमारे साथ अभी 5-7 दिन ऐसे ही घूमने आया है, तो मैं उनसे भी आपको मिलाती हूँ। तो आज मेरी फेवरेट टीम राजस्थान का मैच, और मैं तो पूरा मैच देखने वाली हूँ। तो मैच देखेंगे सब पूरी फैमिली साथ में बैठ के। तो मैच के साथ क्या चाहिए हम लोगों को? स्नैक्स, जो कि मैं ऑर्डर करने वाली हूँ स्विगी इंस्टा मार्ट से। मैंने स्विगी इंस्टा मार्ट पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और कुछ ही मिनट्स में मेरा ऑर्डर आने वाला है। लगता है मेरा ऑर्डर आ गया। गाइस, स्विगी इंस्टामार्ट स्विगी के ऐप पे ही अवेलेबल है। कमेंट करूंगी कि आप स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर करें, क्योंकि वो मिनटों में ग्रोसरी डिलीवर कर देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाएं और ये कूपन को यूज करें, IMNEXT ये यूज करें। आपको ये कूपन कोड यूज करने से आपके पहले ऑर्डर पे 100 रुपीज का ऑफर और आपके पहले 5 ऑर्डर्स पे फ्री डिलीवरी होगी। देर किस बात की, अभी जाके स्विगी इंस्टामार्ट पे अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दी है। तो रेस्ट करके मैंने ये अब कर रही हूँ मेरा बैड ठीक। हेमंत स्कूल से आ चुका है, हेमंत के साथ अब करूंगी का थोड़ा वर्कआउट, जो भी उसके होमवर्क्स वगैरह है वो कंप्लीट, और उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो हाँ जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय मेरे पतिदेव के लिए, क्योंकि चाय के साथ और ज्यादा मजा आएगा हम लोगों को। तो चाय पी के फिर रात का खाना बनाना है, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। आ जाइए, जिसके जिसको भी चाय पीनी है पेंशन दे कुछ दे मुझे। सारी लगाओगी क्या? इसके मैम इसके पीछे लिखना है क्या? फोटो के पीछे लिख दो ताकि हमें टेस्टिंग में साथ लो। फोटो के पीछे लिखो सिर्फ ईयर ही लिखना है ना। ये जैसे है ना, ये जन्म हुआ था तब का है और ये नामकरण वाले दिन का है। अब कांच बना रही हूँ हेमंत के लिए मैंगो जूस। काम करने नहीं देगा? अभी मैं रोटियां बनाऊंगी और हेमंत का फेवरेट मैंगो जूस बनाऊंगी। ये लग गया है मेरा आटा। अब बनाएंगे हम चाटा। माँ आज पता है हमारी स्विमिंग पीरियड हुआ था, बड़े मजेदार था। स्विमिंग किया था आपने स्कूल? हाँ। और अभी बात पता है, मैंने टैटू बनाया पेंट करके, मतलब हल्का सा ग्लू लगाया, फिर कैंची से बाल काट लिए, यहाँ के स्कर्ट पेंट बना लिया, भगवान उसके 10 मिनट बाद पानी डाल के साबुन से हटा। ये उल्ट पुलट काम तू क्यों कर रहा है लाली? मुझे दर्द थोड़ी होता है, चमड़ी उतरती है वापस नहीं आती है। मम्मी ओ लाली को खिला देना पहले, लाली को बिना खिलाया अपन कैसे खाएंगे? लाला बोलेगा अच्छा हेमंत भैया आपने मेरे को छोड़ के खा लिया मम्मा से, ये तो बड़ी गलत बात हुई। बर्तन वो है मेरा हेल्पर, जो कि मुझे मेरे बाप में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। झाड़ू पोछा बर्तन वो करता है, खाना मेरी घर।
क्या करते हो मैं लाइफ में यहाँ रखती ताकि आप लोग आराम से मेरी शक्ल देख पाओ। ये रोटियाँ से खाना खिला के हेमंत को सुनाऊंगी, फिर करना है मुझे ड्रेस आयरन, बहुत सारे काम हो जाते हैं यहाँ पे। वहाँ पे जिठानियाँ होती हैं वो सब होती हैं तो वो लोग कर देते हैं हेल्प, तो इतना काम को इतना बर्डन नहीं रहता है, मिल बांट के काम करते हैं, हम तो सारा काम करना पड़ता है क्योंकि हेल्पर चाहे कितना भी हो यार, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम हाउस वाइफ को ही करना होता है, कितना ही कोई हेल्पर कर लो चाहे कितना ही कुछ कर लो, और ऊपर से मेरी सोशल मीडिया में तो इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है ना मेरा, इतना ज़्यादा इतने हेक्टिक होते हैं मेरे, जबकि मैंने आज आप लोगों को शाम से दिखाया सुबह वाला, तो सुबह नहीं मैं अपना जेठू जी भी आ गए हैं, जेठू जी कहीं गए हुए थे अब उनको भी खाना लाएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी मैं आपको मेरे लाले का पूरा रूटीन दिखाऊंगी, पूरे दिन का कि लाला क्या खाता है कैसे क्या करता है सारी चीजें। हमारे घर में कुछ भी बनता है ना तो हम सबसे पहले लाले को ही खिलाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, प्याज वाला अगर कोई आइटम बनाना होता ना तो हम पहले लाले के लिए खाना निकालते उसके बाद हम प्याज खाते हैं। यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ आइनिंग, बच्चे सो चुके हैं क्योंकि सुबह वापस 6:30 बजे बच्चों को उठाना है, तो वही रूटीन है। बेटू जी आ गए हैं, बेटू जी को खाना खिलाऊंगी, बट उसके पहले सोची मैं आइनिंग कर लूँ, फिर आप लोग से मैं बेटू जी को भी मिलाऊंगी। मेरी आवाज़ आ रही है ना एक्चुअली, बच्चे सो चुके हैं तो फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूँ। गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसे कंटेंट चाहिए, मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं उसके ब्लॉग लाऊँ मेरे जो दिन भर के, तो मैंने थोड़ी सी वीडियोज़ भी कम कर दिए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट हो, मैं इतना मैनेज नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे आइनिंग मैं घर पे करती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, मतलब जो रेगुलर घर के कपड़े होते हैं वो मैं घर पे करती हूँ, और जो हैवी वाले होते हैं वो मैं बाहर लॉन्ड्री में करती हूँ। तो जेठू जी आ चुके हैं, कैसा रहा आज आपका दिन? सो ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब मैं मिला रही हूँ आप लोगों से, अब इनके सोने का टाइम है, तो ये खाना भी खाए तो एक दो फुल्का, तो वो मैंने शूट नहीं किया। सो कुछ बोलो कैसा रहा आज आपका दिन? इनका क्या है गुड़गांव में मन नहीं लगता है, तो ये कभी दिल्ली कभी फरीदाबाद से घूमते रहते, आना तो ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ लेके आ जाती हूँ, नौखा में इनके ग्रुप है, इनके फ्रेंड सर्कल्स हैं, फैमिली है, तो बस मौज मौज, ये कुछ गाँव के ज़्यादा हैं। सबके सोने के बाद मैंने पूरा मेरा घर ठीक किया, सारे बिखरे उठाए एक जगह समेटे, और सो यहाँ पे मेरा लाला सो गया है और वो दोनों वहाँ पे सो गए हैं, दोनों लाला जेठू जी भी सो चुके हैं, ये वो देखो, ठीक है। तो अब है मेरी सोने की बारी, मैं सोऊंगी तो क्या, अभी तक तो मेरे को एडिटिंग भी करनी है और बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं। सो गाइस मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, और एक बात की अब से आपको मेरे मिनी व्लॉग्स से ज्यादा मेरे फुल व्लॉग्स डेली के डेली दिखेंगे, वो भी कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, पूरा दिन कैसे रहता है, क्या क्या करती हूँ, कैसे क्या काम करती हूँ, या क्या क्या जो भी आपको और देखना होगा वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और गाइस खूब सारा प्यार देना, लव यू, मिलते हैं बहुत ही जल्दी, अब तो बैक टू बैक मिलने वाले हैं, बाय बाय, गुड नाइट।